नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। एक बार फिर टोल टैक्स कर्मियों के दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चौबेपुर थाने के अंतर्गत टोल टैक्स वालों की खुलेआम गुंडई, जिसमें पुलिस का पूरा सहयोग, योगी राज में इतना बड़ा अत्याचार दिखाई दे रहा है। सरकार क्या दबंगों को ही सौंपती है टोल टैक्स? आखिर आने जाने वाले राहगीरों को टोल टैक्स देने के बाद क्या मारा भी जाएगा? क्या नेशनल हाईवे के मंत्री के नितिन गडकरी जी ने सभी टोल टैक्स के यही हालात हैं या यही नियम बना दिए हैं? आए दिन टोल टैक्स की मारपीट और लूट की घटनाएं सामने आती रहती हैं और प्रशासन भी मूकदर्शक की तरह बनी रहती है। ऐसा ही मामला दो घंटे पहले सरेआम 2 लाख की लूट तथा खुले रूप में थाने के दरोगा और कांस्टेबल के सामने टोल टैक्स वाले को खुलेआम मारपीट करते हुए नजर आए हैं, जिसमें 4 लोगों को टोल टैक्स कर्मियों ने बुरी तरह मारा पीटा है, उनसे 2 लाख रुपए की लूट भी किया है और 3 घंटे तक थाना मौन रहा है और ना ही कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है। खबर चलने तक अभी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में क्या है घटना। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वाराणसी से शैलेंद्र प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। इधर इलाज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इलाज ना हो, सही हो जाएगा। चलिए चलो हम भी चल रहे हैं, चलिए चलो चलो अंदर भेजिए आप घेरे रहोगे तो कौन जाएगा? आप हमारे आदमी को अंदर भेज दिया, आप नहीं जा रहे हैं, हमारे आदमी को भेज दिया अंदर, जा नहीं रहे हैं। चलो खुद हमारे आदमी को भेज दिए, आपने नहीं जा रहे हैं, हम सब कुछ मानव। एक बात के मैं जवाब देता, आप साहब एक बात जवाब था हमके कि अगर हम रोड पर चले थी टोल टैक्स वाले का नाम हम जाना, उपाध्याय जी पूछा तो सबका नाम बतावा, तो हम नाम कैसे बताइए? हम तो लाश खेले ही 12 गरीब 15 गरीब की मारा सुन के, हम उनके नाम कैसे बताइए? हम नाम कैसे बताइए उनके? बताइए आप, उपाध्याय जी सरे से बेमानी कर रहे हैं, 2 लोग को ढकेल के ले जा रहे थाने, इन लोग को लेके नहीं चले गए, बताइए। और रिकॉर्डिंग ऊपर से रिकॉर्डिंग करा रहे हैं तो हम लोग भी रिकॉर्डिंग करेंगे, अब हम लोग भी रिकॉर्डिंग करेंगे, अब देखिए ना। बाहर कभी बात हो, भागल हो, अरे निकल।